हेलो, मैं डॉक्टर सरिता और आप इस वक्त है माय डॉक्टर चैनल पे। व्हाट्सएप पर मुझे आप काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं और अपनी समस्याएं मुझे शेयर कर रहे हैं। उसमें से ज़्यादातर लोगों ने मुझे पूछा है कि उनके चेहरे पर काफ़ी सारे दाग, मुहासे और ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स सब बने हुए हैं। तो चलिए आज देखते हैं उसके लिए हम ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो लेने से केवल 7 दिनों में उनके सारे मुहासे निकल जाए और चेहरा पूरा एकदम साफ हो जाए। अब हम देखते हैं कि हमें पिंपल्स होते क्यों हैं। हमारे स्किन के नीचे कई सारे सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स से जुड़े हुए होते हैं। उसमें से सीबम नाम का एक सब्सटेंस निकलता रहता है जिसकी वजह से हमारी स्किन में सॉफ्टनेस बना रहता है। किसी वजह से जो हमारे रोम छिद्र होते हैं जिसमें से सीबम बाहर निकलता है वो ब्लॉक हो जाते हैं और ऊपर से धूल मिट्टी भी उस पर बैठ के उस पर फिर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें तैयार होता है और फिर मुहासे फॉर्म हो जाते हैं। तो हम ऊपर से क्रीम्स भी कई सारी क्रीम्स भी लगा देते हैं जिससे ये रोम छिद्र, ये पोर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और फिर हमारे पिंपल्स और भी बढ़ते रहते हैं। हमें हमारे चेहरे को हमें 2 दिन में 3-4 बार साफ धोना ज़रूरी है। एक माइल्ड हर्बल सोप या फिर हर्बल फेस वॉश से हमें 2 या 4 बार अपना चेहरा साफ धोना बहुत ज़रूरी है। इससे और फिर क्रीम अगर लगानी ही है तो आपको रात को सोते समय आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दिन के समय में आपको क्रीम को अवॉइड करना चाहिए। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसे हम लेने से जिसे ये जो समस्याएँ हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। कुछ 7-8 दिन में उसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे और आपके जो पिंपल्स है वो आपको कम होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए बात करते हैं एक उस होम्योपैथी मेडिसिन की। सबसे पहले मेडिसिन का नाम मैं बताने जा रही हूँ, वो है बर्बेरीज एक्वाफोलियम मदर टिंचर। आपको ये मेडिसिन दिन में 2 या 3 बार खाली पेट लेनी है। एक घुट पानी यानी 10 चम्मच कुल मिलाकर पानी लीजिए किसी ग्लास या किसी बर्तन में और उसमें वो 10 या 15 बूंदे उसकी डालना है और आपको खाली पेट पीना है दिन में 3 बार। और उसके साथ साथ उसी मदर टिंचर को आपको कॉटन में यानी रुई पर लेकर आपके पूरे मुंह पे आपको उसको लगा देना है। उससे पहले आपका चेहरा धोना ना भूलें। उसके बाद चेहरा धोने के बाद अच्छे से साफ कपड़े से उसको पोंछ लीजिए और फिर उसको वो दवाई आपके चेहरे पर दिन में 4-5 बार लगा दीजिए और फिर सूखने दीजिए उसको। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स में पस होता है यानी मवाद होता है तो आप एक हीपर सल्फ नाम की मेडिसिन है जिसे आप दिन में 3 बार लेना है। 30 CH पोटेंसी में उसको आपको खरीदना है और उसको दिन में 3 बार लेना है। और अगर आपके चेहरे पर जो पिंपल्स है वो एकदम ज़्यादातर हो गए, ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं, लाल कलर के हैं और फिर उसमें काले काले दाने भी कभी कभी बन जाते हैं पूरे चेहरे पर, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप काली ब्रोमेटम नाम की एक मेडिसिन उसको खरीद लीजिए और उसको भी 30 CH पोटेंसी में लेना है। दिन में 3 बार लेना काफ़ी रहेगा। और याद रहे कि कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन आप जब लेते हैं तब उसके आधा घंटे पहले या एटलीस्ट 20 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर आपको मुँह में कुछ नहीं डालना है जिससे इसका असर अच्छे से हो जाए। आप अगर ये दवाइयाँ शुरू करते हैं लेते हैं तो आपको केवल 7 दिनों में ही उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये मेडिसिन आप बराबर लेते हैं बिना भूले टाइम टू टाइम अगर लेते हैं, मदर टिंचर जो मैंने बताया उसको भी दिन में 3 बार आप पीते हैं खाली पेट और उसको ही उसी मदर टिंचर को आपको चेहरे पर आपको लगाना है और 4-5 बार आपको चेहरे पर आप लगाते रहना। और ये जो अगर आपको ये सिम्टम्स भी जो दूसरे हैं मैंने बताया वो अगर सिम्टम्स हैं तो वो दूसरी दवाई भी आप उसके साथ में ले सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पर ज़रूर पूछ सकते हैं।